हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि आप किसको मिस कर रहे हैं, क्या ऐसी एनर्जी है, कौन ऐसा पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपकी नज़र से ये गुजरेगा मैसेज, तो ये आपके लिए उस वक्त का स्पेसिफिक मैसेज होगा, ठीक है? जब कभी भी आपकी नज़र से रीडिंग गुजरेगी, तो मैसेज भी वही लीजिएगा जो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से या अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको लग रहा हो कि हाँ भाई, ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, ठीक है? विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। किसको मिस कर रहे हैं आप? किसको मिस कर रहे हैं आप? आप किसको मिस कर रहे हैं? एट ऑफ सोर्ड्स, I'm sorry for the background voice. Page of Swords. बहुत ही ज़्यादा air energy है अभी तक तो, just a second, let me shut the window. जी, Four of Pentacles. एक और card लेते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिर्फ वाटर साइन यहाँ पर नहीं है। किसको मिस कर रहे हैं आप? ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बिल्कुल आपकी फीलिंग्स को और आपकी एनर्जी को इस वक्त मिरर कर रही है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आप अपना ट्विन डिवाइन काउंटर पार्ट इस वक्त मिस कर रहे हैं, और ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी सिबलिंग में हो सकता है, आपके कजन्स में हो सकता है, कॉलीग्स में से, फ्रेंड में से, और लवर में से भी, ठीक है? आप लोग की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। आप लोग किसी ऑनलाइन फोरम पे मिले, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या नेटवर्किंग के थ्रू आप लोगों की एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ। आप लोग कॉलेज मेट्स भी हो सकते हैं। आप लोगों ने फन टाइम बहुत ज़बरदस्त गुजारा है। जिसको आप मिस कर रहे हैं, वो जॉय, वो फन जो के आपको किसी की गैदरिंग या किसी की सेरेमनी और इवेंट के इंतज़ार में भी नहीं रखता था, आप उस शख्स को मिस कर रहे हैं। आप लोग जब मिलते थे तो आप खुद ही एक इवेंट को, एक खुद ही एक गैदरिंग और खुद ही एक महफिल बना लेते थे। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी को भी मिस कर रहे हैं जिसमें आपने डिसीजन खुद से लिया है कि अब आपको कांटेक्ट में नहीं रहना, ना ही अपने बारे में कुछ बताना है, ना ही अपने बारे में कुछ कहना है, ना ही अपने बारे में कुछ शेयर करना है, और बहुत कुछ आपके अंदर ही है। विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स, आप एक ऐसी एनर्जी को मिस कर रहे हैं जो कि जिसको आप बहुत कुछ कह सकते थे लेकिन आपने नहीं कहा, बहुत कुछ बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोला। आप दोनों ही एक दूसरे को इंटरनेट पे, दूसरे सोशल फोरम्स पे स्टॉक भी कर रहे हैं ताकि पता तो चले, लेकिन कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और मुझे ये कुछ आप लग रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से जो है वो आपने मुंह मोड़ा हुआ है। कुछ ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से फन था, है, रहता है,
और आपको याद आ रही हैं वो बातें कि क्यों हमने सारी बातें नहीं की, क्यों हमने सब कुछ एक दूसरे से नहीं कहा। विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स, यू नो, बहुत ही स्टक सी और बहुत ही फंसी हुई सी एक बेबसी वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, बेबसी वाली। तो आप जिसको मिस कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपने खुद डिसाइड किया है कि आपको नहीं रखना कांटेक्ट। तो नहीं रखना कांटेक्ट तो फिर आप मिस क्यों कर रहे हैं? और देखते हैं, क्योंकि आप हर कार्ड में देखें उसमें चेहरा जो है वो दूसरी तरफ हुआ हुआ है। द सन, लियो, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी खुशी किसी की माफ़ी से जुड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि कोई आपको माफ़ करे जिसको आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद बहुत कुछ इस इंसान को बोलना चाहते थे, कहना चाहते थे, जो आपने कुछ टू द पॉइंट बातें कहीं भी, और फिर आपने सिचुएशन को छोड़ा। आप खुश भी नहीं हैं इस वक्त, मैं ये भी देख सकती हूँ। आप इस वक्त खुश इस वजह से भी नहीं है बिकॉज़ आपने खामोशी इख्तियार करके ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह से आगे से सिचुएशन मिलेगी। आपने अपनी लाइफ में एक फ़ैसला किया और क्लैरिटी के साथ किया, लेकिन वो फ़ैसले में इतना डिले आ गया है कि आपको हैरानगी हो रही है अपने वजूद की, कि ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जैसे मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता या करती। यानी वो होता है ना कि हम रूठे तुम छूटे, जग छूटे, वो वाली बात। तो आप जिसको मिस कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान को मिस कर रहे हैं जिसकी अपॉलोजी आप डिज़र्व भी करते हैं, और आपको लगता है कि उनको अपॉलोजाइज करना भी चाहिए बिकॉज़ इस सिचुएशन ने आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी दी है और आप इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली आप ऐसे मोमेंट को इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपके आपकी ऑब्जर्वेशन पर, आपकी वर्किंग पर, आपके आने वाले दिनों पर एक स्टैम्प लगाएगा कि हाँ, मेरा किसी से कट ऑफ कर लेना, मेरा कुछ चीज़ों से मुंह मोड़ लेना, मेरा कुछ चीज़ों से हट जाना जो है वो सही है। लेकिन डेफिनेटली आप जिसको मिस कर रहे हैं वो लम्हे भी हो सकते हैं, वो टाइम भी हो सकता है जब आपकी ज़रा सी नाराज़गी पर लोग जो है वो फौरन खड़े हो जाते थे। अब आप किसी से नाराज़ भी हो जाएं, कह के भी नाराज़ हो जाएं, दरअसल दुनिया में इतने झंझट हो गए हैं, अब आप किसी से नाराज़गी भी का इजहार भी करें तो उसकी अपनी ज़िंदगी में इतने मसले चल रहे होते हैं, वो तो अच्छा चलो ठीक है, तुम नाराज़ हो, चलो तुम नाराज़ होकर खुश रहो, बस ये चीज़ें हो जाती हैं आजकल। तो लोग जो हैं अब ना लोगों में इतना पेशेंस रहा है, तो कुछ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। लेट्स सी कि आप क्यों इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं। जजमेंट, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत तकलीफ है इस बात की कि आपने जब अपने राइट के लिए बात कही, आपने जब अपने हक के लिए कोई बात कही, तो आप ये डिज़र्व नहीं करते थे कि लोग माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने के बजाय लोग भाग जाएं। ये एनर्जी जिसको आप मिस कर रहे हैं, ये भाग गए आप लोग आपके पास से, और आपको लगता है कि अगर ये भाग भी गए हैं तो मैं ये चीज़ अल्लाह पे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ कि मुझे इसका सिला मिले। विद द जजमेंट कार्ड आप
इस तरह के लोगों से और इस तरह के लाइफ पैटर्न से और इस तरह के बिहेवियर से दरअसल उकता से गए थे। और जब आपके बहुत ही क्लोज्ड सर्कल में ऐसी चीज़ हुई तो आपने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक भी नहीं है और आई एम नॉट लाइक दैट। कभी कभी आप लोगों को ये बात कहते होंगे तो वो आपको पागल समझते होंगे। विद द टू ऑफ सोर्ड्स लगता होगा कि मतलब भाई क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो, चलो छोड़ो, मतलब ये चलो छोड़ो वाली जो बात है ना वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती। तो आप क्यों इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं? क्योंकि बाकी कोई होता तो शायद आपसे आपसे डाइजेस्ट हो जाता, लेकिन जिस पर्टिकुलर एनर्जी को आप मिस कर रहे हैं जिसमें ये ट्रेड सारे शामिल हैं और आप जिससे इसको रेजोनेट कर सकते हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप उस जगह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा, और आपको वाकई ऐसा छोड़ा है कि जैसे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था। आपने कोई शट अप कॉल नहीं दी, दरवाजे खुले हुए हैं, चाबी भी आपके हाथ में है, आप खामोशी से बैठे हुए भी हैं, लेकिन बस कुछ भी नहीं है। ये जो भी एनर्जी है जिसको आप मिस कर रहे हैं, इनका एक परसेप्शन भी बना हुआ है आपको लेकर, कि जैसे आप किसी प्राइड में हैं, आप किसी घमंड में हैं, आप बहुत मगरूर हो गए हैं, आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत ईगो में रहते हैं, तो इनका परसेप्शन। और शायद हाँ, ओ वाओ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप इनकी बेताबी और इनकी बेचैनी जो है वो सेंस कर सकते हैं, और आपको मालूम है कि जैसा तैसा भी था ये लोग आपकी लाइफ से कनेक्टेड थे या ये एनर्जी आपसे कनेक्टेड रहती थी, तो इनकी लाइफ में जो मसले रहते थे वही आपकी एक इंगेजमेंट थी, कि आपके लिए भी एक मसरूफियत का सबब था, और अब ये नहीं है तो आपको लगता है कि आप भी अब किसको किसको किसकी प्रॉब्लम्स को सही करें, बिकॉज़ आपकी लाइफ तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट लग रही है। लेट्स सी मोर। और चेक करते हैं। डेस्टिनी, मिस्टिज्म, इम्पास। रिलीज, इनको कार्मा हिट कर रहा है, जिसको आप मिस कर रहे हैं इनको कार्मा हिट कर रहा है, बिकॉज इसलिए कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो इनके साथ अब हो रहा है, लेकिन आप ना उसको सुन पा रहे हैं और ना समझ पा रहे हैं, लेकिन इनको पता है जिस एनर्जी को आप मिस कर रहे हैं ये उसी चीज़ को लाइफ में फेस कर रहे हैं जो आप इस वक्त फेस आपने किया या जिसकी वजह से आपने इनसे डिटैचमेंट की। सॉरी, इन्होंने इस डिटैचमेंट के बाद खुद का भी एक सोल पर्पस जो है वो फाइंड आउट किया है, लेकिन दे आर क्यूरियस अबाउट यू। ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड बिल्कुल एक जैसा है, इतने सीक्रेटिव आप हुए हुए हैं कि इनको आपसे बात करते हुए डर लग रहा है, और इस बात का आपको मालूम है, और आप इनके डर के टूटने का वेट कर रहे हैं, इसलिए आप इनको मिस कर रहे हैं। ये कोई कमिंग डेज में कोई ऐसी डिलेबरेट सिचुएशन बनाएंगे कि जिसमें आपको ना चाहते हुए भी इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट की न्यूज़ कर दी, कोई बहुत ही सीरियस बीमारी की डिक्लेयर कर दिया, हुआ होगा बुखार, और अल्लाह माफ़ करे कैंसर की न्यूज़ सुना दी, तो ये कुछ इस तरह की ड्रामेबाजी इनकी तरफ होगी। अदरवाइज़ आप किसी के फ्यूनरल पर, किसी की डेथ पर, या किसी ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ डेथ से रिलेटेड कोई रीज़न होगी, एंड देन वहाँ पर फिर थोड़ी बहुत कोई बातचीत होगी, बट थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक एनर्जी है जिसको आप मिस कर रहे हैं। देखते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए, वॉट यू शुड डू।
हीलिंग द अर्थ, लव, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट। हर्ट किया है इन्होंने आपको, आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं तो सही लड़ रहे हैं। ये अगर आप इनको मिस भी कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू मिस इंस्टेड टू बी ह्यूमिलिएटेड। अपनी अना की का मजाक उड़वाने से बेहतर है, अपनी ईगो का मजाक उड़वाने से बेहतर है कि खामोशी से याद कर लें जिसने भी आपके साथ ये जो कुछ किया है, जो मैंने नरेट किया है, याद कर लें। याद करने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। जैसे आप करंट एनर्जीज़ में आप लोग चिढ़ते हैं ना कि हमें तो नहीं पता चल रहा अगर ये सब कुछ हमारा पार्टनर सोच रहा है, तो सोच तो वो भी रहा होता है, कार्ड्स के थ्रू आपको पता चल रहा होता है। इस तरह आपको भी अगर याद आ रही है तो याद आना अच्छी बात है, एक्शन ना लें। बिकॉज अगर आपने इस वक्त खुद स्टेप फॉरवर्ड किया तो आप अपनी इज्जत नफ्स को खुद रौन देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आप किसको मिस कर रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।